दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे डिटरमिनेंट निकालना लैपलेस मेथड से। एक क्वेश्चन यहाँ रखा हुआ है 4x4 का, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग को यहाँ नंबरिंग लिख लेना चाहिए 1, 2, 3, 4, इस साइड 1, 2, 3, 4। अब नेक्स्ट स्टेप होता है हम लोग का, यहाँ -1 लिखिए, उसके ऊपर नंबर लिख दिया 1, 2, +1, 2। ये हम लिखे हैं इसके लिए और ये लिखे हैं इसके लिए, तो जो जो नंबर लिखा है उसे आप क्रॉस कर दीजिए, लेकिन माइंड में ही क्रॉस कीजिए। हम आपको यहाँ दिखा देते हैं 1, ये 2, इसका हो गया। अब इसके लिए यहाँ क्रॉस कीजिए 1, 2। यहाँ दो बॉक्स बनाइए, एक बॉक्स दो बॉक्स। इस बॉक्स में वे लिखना है जो दोनों लाइन में कॉमन आया, तो ये हमें दिख रहा है इस लाइन में कॉमन 1, 2, 0, 2 आया, तो यहाँ लिख दीजिए 1, 2, 0, 2। और जो बच गया, जो इन दोनों लाइन में नहीं है, उसको इस बॉक्स में लिखना है, तो हमें दिख रहा है 0, 3 और 2, 1 नहीं है, तो यहाँ लिख दीजिए 0, 3, 2, 1। अब आगे नेक्स्ट ऐसे ही करना है, फिर -1 यहाँ लिखिए और इन दोनों को फिक्स रखिए 1, 2। अब बाकी अब इसको चेंज करते रहिए 1, 3, फिर 1, 4, फिर 2, 3, ऐसे करते हुए प्रोसीड करेंगे। फिर दो बॉक्स बनाइए, फिर 1, 2 को इसको फिक्स रखना है। अब 1, 3, 1 को यहाँ काट दिए, 3 को यहाँ काट दिए, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा आया, 1, 0, 3, 1, तो यहाँ लिख दीजिए 1, 3, 0, 1। अब इन दोनों में बचा कौन, 2, 3, 0, 1, तो यहाँ लिख दीजिए 2, 3, 0, 1, यहाँ प्लस। फिर नेक्स्ट स्टेप -1, यहाँ 1, 2, फिर इसको लिखिए 1, 4, फिर दो बॉक्स बनाइए, दो बॉक्स यहाँ बन गया। अब यहाँ 1 काट दिया, 4 काट दिया, 1, 2 काटा हुआ है, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा आया, तो 1, 0, 0, 3, तो यहाँ लिख दीजिए 1, 0, 0, 3। अब बाकी बचा कौन, 2, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 2, फिर आगे ऐसे ही प्रोसीड कीजिए -1, 1, 2। अब 1, 5 नहीं हो सकते क्योंकि 4x4 का है, तो अब 2, 3 में हम लोग जाएंगे। फिर दो बॉक्स बनाइए, आपका 1, 2 ये काटा हुआ है, अब 2, 3 को ऐसे काट देना है, माइंड में ही करना है, लेकिन ये कॉमन कौन सा हुआ है, 2, 3, 2, 1, यहाँ 2, 3, 2, 1, और आया कौन सा नहीं, तो 1, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 1, फिर प्लस कीजिए, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ 1, 2, यहाँ 2, 4, फिर दो बॉक्स बनाइए, यहाँ 1, 2, ये 2, 4, कॉमन आया 2, 0, 2, 3, यहाँ लिख दीजिए 2, 0, 2, 3। अब आया कौन सा नहीं, तो 1, 0, 3, 2, यहाँ लिख दीजिए 1, 0, 3, 2। अब नेक्स्ट -1, 1, 2, अब 2, 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि 5x5 का नहीं है, तो हम लोग अब 3, 4 में पहुँच जाएंगे, फिर यहाँ दो बॉक्स बनाएंगे। अब 3, 4, 1, 2 तो काटा हुआ है, 3, 4 को हम लोग को काटना है, कॉमन कौन सा हुआ, 3, 0, 1, 3, तो यहाँ 3, 0, 1, 3, और जो इसमें नहीं आया उसको लिख दीजिए 1, 2, 3, 0, तो 1, 2, 3, 0, ये आपका लैपलेस मेथड बन गया। अब इसे सॉल्व कर कैसे किया जाता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, -1 का अगर पावर इवन रहेगा तो ये पॉजिटिव, -1 का पावर अगर ऑड रहेगा तो ये नेगेटिव। तो ये देखिए 3, 3, 6, मतलब इवन है, तो ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव लिख दीजिए। अब इसको 1 × 2, फिर एक माइनस का साइन 0 × 2, फिर इसको 0 × 1, फिर माइनस 2 × 3, फिर यहाँ देखिए इसका पावर इवन है कि ऑड, 1 + 2 = 3, 3 + 1 = 4, 4 + 3 = 7, मतलब ऑड है, ऑड मतलब नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव लिखिए, फिर एक ब्रैकेट दीजिए 1 × 1 माइनस
जीरो इंटू थ्री, फिर एक ब्रैकेट दीजिए, टू इंटू वन, फिर माइनस जीरो इंटू थ्री। अब फिर अब इसका पावर देखिए, ऑड है कि इवन, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस वन फोर, फोर प्लस एट, मतलब इवन है, मतलब पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव का साइन दीजिए, एक ब्रैकेट दीजिए, वन इंटू थ्री माइनस जीरो इंटू ज़ीरो, फिर एक ब्रैकेट दीजिए, टू इंटू टू माइनस जीरो इंटू ज़ीरो। अब इसका आप साइन देखिए, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस थ्री एट, मतलब पॉजिटिव। अब एक ब्रैकेट दीजिए, टू इंटू वन माइनस टू इंटू थ्री। अब इसको एक ब्रैकेट और दीजिए, वन इंटू वन माइनस थ्री इंटू थ्री। अब यहाँ साइन देखिए, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस फोर नाइन, मैं नेगेटिव, यानी एक नेगेटिव एक बॉक्स दिए, टू इंटू थ्री माइनस टू इंटू ज़ीरो, फिर एक बॉक्स दिए, वन इंटू टू माइनस थ्री इंटू ज़ीरो। अब इसका साइन देखिए हम, तो वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स प्लस फोर टेन, मैं पॉजिटिव, एक पॉजिटिव दिए, फिर बॉक्स डालें, थ्री इंटू थ्री नाइन, माइनस वन इंटू ज़ीरो, फिर एक ब्रैकेट दिए, वन इंटू ज़ीरो माइनस टू इंटू थ्री। अब इसे सॉल्व करना है, अब इसे सॉल्व किया जाए, तो वन इंटू टू टू माइनस ज़ीरो, ये हुआ तो ज़ीरो, यहाँ माइनस टू इंटू थ्री सिक्स, फिर माइनस वन, ये माइनस थ्री इंटू ज़ीरो, फिर टू इंटू वन टू, माइनस ज़ीरो इंटू ज़ीरो थ्री, तो ज़ीरो, फिर यहाँ प्लस दीजिए, वन इंटू थ्री थ्री, माइनस ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो, टू इंटू टू फोर, माइनस ज़ीरो इंटू ज़ीरो, प्लस टू इंटू वन टू, माइनस टू इंटू थ्री सिक्स, वन इंटू वन वन, माइनस थ्री इंटू थ्री नाइन, माइनस टू इंटू थ्री सिक्स, माइनस टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो, वन इंटू टू टू, माइनस थ्री इंटू ज़ीरो ज़ीरो, प्लस नाइन नाइन माइनस वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो, वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ये माइनस टू इंटू थ्री सिक्स। अब इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ से आया टू, यहाँ से आया माइनस सिक्स, टू इंटू माइनस सिक्स, यहाँ से वन, यहाँ से टू, वन इंटू टू टू, तो माइनस टू, यहाँ से आया थ्री, यहाँ से फोर, थ्री इंटू फोर ट्वेल्व, यहाँ से आया माइनस फोर, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, माइनस फोर, और यहाँ से आया माइनस एट, यहाँ माइनस, यहाँ से आया सिक्स, यहाँ से आया ट्वेल्व, यहाँ ट्वेल्व, प्लस यहाँ से आया नाइन, और वहाँ से आया माइनस सिक्स, नाइन इंटू माइनस सिक्स। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, टू इंटू सिक्स ट्वेल्व, और नेगेटिव का नेगेटिव, माइनस टू प्लस ट्वेल्व, फोर इज़ द थर्टी टू, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस ट्वेल्व, नाइन सिक्स आ फिफ्टी फोर, बट माइनस आ गए फिफ्टी फोर, यहाँ प्लस से माइनस से प्लस कट गया। अब ये जोड़िए, अब नेगेटिव नेगेटिव एक साथ, तो दो दो चार एक आठ, फाइव एक सिक्स, माइनस सिक्सटी एट प्लस थर्टी टू। अब इसे कीजिए, एट में से टू गया तो सिक्स, और सिक्स में से थ्री तो थ्री, और माइनस आ गए, तो ये आपका सॉल्व हो गया लैपलेस मैट्रिक्स से। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक कीजिए, कमेंट में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू।